हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी ओ हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टी एस की टेक्स्ट बुक से बुक थ्री चैप्टर फाइव कैश फ्लो स्टेटमेंट और अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फॉलोइंगज़ द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोटीन पर्टिकुलर नोट नंबर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन दैट इज़ क्लोजिंग डेट एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन दैट इज ओपनिंग डेट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल फोर्टीन लाख से इंक्रीज होकर के फिफ्टीन लाख ,00 हो गया है मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स दिया हुआ है और यहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है यह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा सेकेंड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रुपीज़ वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बढ़ करके टू लाख हो गया ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और ये कैश इनफ्लो है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है फिर है थर्ड करंट लाइबलिटीज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी नोट है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है और ट्रेड पेएबल्स रुपीज़ एटी थ्री थाउजेंड से डिक्रीज़ होकर के फ़िफ्टीन थाउजेंड हो रहा है ये करंट लाइबिलिटीज़ है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको मेंशन करेंगे और क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए इसे भी माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इलेवन थाउजेंड से बढ़ कर के एटीन थाउजेंड हो रहा है ये टैक्स है नोट्स टू अकाउंट देखेंगे तो वहाँ है प्रोविज़न फ़ॉर टैक्स तो टैक्स मेड को हम ऐड करेंगे और टैक्स पेड को हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है नहीं बैंक ओ है बैंक ओ भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही ट्रीट होगा अब एसेट्स फर्स्ट है नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स रुपीज़ सिक्सटीन लाख टेन थाउजेंड से इंक्रीज होकर के रुपीज़ एटीन लाख सिक्सटी थाउजेंड हो गया है और ये नोट फोर है तो हमें नोट फोर देख करके पता लगाना होगा कि कितने का फिक्स्ड एसेट्स ख़रीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उसी तरीके से इंटेंजेबल एसेट्स इंक्रीज हो रहा है थर्टी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड इसके लिए भी नोट्स दिया है वो नोट्स देखने से समझ में आएगा देन करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में इसका ट्रीटमेंट होगा और है इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज डिक्रीज़ हो रहा है सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है और ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो है नाउ लेट अस सी नोट्स नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस सरप्लस है रुपीज़ वन लैख टेन थाउजेंड से इंक्रीज़ होकर के रुपीज़ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हो गया है इसका मतलब ये है कि इसमें जो नेट प्रॉफिट जो सरप्लस होगा करंट ईयर का दोनों को माइनस करेंगे वहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवर है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा इंक्रीज इन बैंक ओवर कैश इनफ्लो फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्स है जो कि 11,000 से इंक्रीज़ होकर के 18,000 हो गया लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है और इसमें लिखा हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ रुपीज सिक्सटीन तो हमें लेजर बना करके टैक्स पेड और टैक्स मेड कैलकुलेट करना है पेड को हमें लेस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और मेड को हमें प्लस करना है दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देन टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी 17 लाख ,00 से इंक्रीज़ होकर के 20 लाख ,00 हो गया है और एक्यूमलेटेड डेप्रीशिएशन 90,000 से इंक्रीज होकर के वन लाख फोर्टी हो गया है हमें ये ये जो टोटल दिया है इसको इसको कंसिडर नहीं करना है हमें इंडिविजुअल डिटेल्स की तरफ ध्यान देना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेकेंड पॉइंट में लिखा है मशीनरी विध अ नेट नेट बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ टेन थाउजेंड एक्ूमुलेट डेप्रीशिएशन रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड व सोल्ड फॉर रुपीज़ टू थाउजेंड मतलब मशीनरी जिसका बुक वैल्यू टेन थाउजेंड का था उसे टू थाउजेंड रुपीज़ में बेच दिया गया मतलब एट थाउजेंड रुपीज़ के लॉस में एट थाउजेंड रुपीज़ के लॉस में बेचा गया तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में ऐड कर देंगे और ये एकटेड डिप्रीशन इस डिप्रिशिएशन के साथ जुड़ जाएगा देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है यहाँ डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड का है फिफ्टी थाउजेंड का डप्रीशन यहाँ दिखाई दे रहा है और जो मशीन बिक गई है उस पर डिप्रीशियशन है फोटी थाउजेंड का सो ये जो टोटल डप्रिशिएशन नाइन्टी थाउजेंड का आ रहा है यही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में इसे ऐड करना है और इस डेप्रीशिएशन का यूज़ परचेज ऑफ परचेज ऑफ मशीन कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ होगा हम इसका मशीन अकाउंट लेजर बनाएंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लेजर बनाएंगे सो लेट अस प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट नाउ सॉल्यूशन 54 पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोविज़न फ़ॉर टैक्सेशन अकाउंट और क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा फर्स्ट अप्रैल 2013 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में प्रोविजन फॉर टैक्स है इलेवन थाउजेंड का और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिख लेते हैं टू बैलेंस क्लोज डाउन रुपीज़ एटीन दिया हुआ है अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फ़र्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसको हमको डेबिट में लिखना है टू बैंक टैक्स पेड है ये रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड का अब हमें क्रेडिट साइड में टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर पता चल जाएगा इसे हम ऐड करेंगे थर्टी फोर थाउजेंड माइनस इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज़ का टैक्स मेड है तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स दोनों ही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होंगे सो तो टैक्स मेड जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉडनरी आइटम्स के हेड में ये ऐड होगा ऑपरेटिंग में और टैक्स पेड जो है ये ऑपरेटिंग में ही लेस हो जाएगा अब हम बनाएंगे मशीन अकाउंट और एक्यूमोलेटेड डेपरीशियशन ऑन मशीन अकाउंट मशीन एक एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट के साइड आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है रुपीज़ सेवेंटीन लाख का और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिख लेते हैं थर्टी फर्स्ट थ्री फोर्टीन को बाय बैलेंस क्लोज डाउन यह है रुपीज़ ट्वेंटी लाख का उसी तरीके से एक्यूमलेटेड डेपरीशियशन क्योंकि ये एक लाइब्रिटीज़ है इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा रुपीज नाइन्टी थाउजेंड एंड क्लोजिंग बैलेंस थर्टी फर्स्ट थ्री फोर्टीन को टू बैलेंस क्लोज डाउन वन लाख फोर्टी थाउजेंड अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के सेकेंड पॉइंट में दिया है मशीन विथ अ नेट बुक वैल्यू ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड एक्यूमलेटेड डेप्रिशिएशन फोर्टी थाउजेंड मतलब जो मशीन अभी बिकने वाली है उस पर एक्यूमुलेटेड डप्रीशिएशन इस नाइन्टी थाउजेंड में से फोर्टी थाउजेंड उस मशीन का है जो अभी कंपनी बेच रही है मतलब थर्टी फर्स्ट थ्री फ़ोर्टीन को हम टू मशीनरी बोल कर के फोटी थाउजेंड रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे इस नाइन्टी थाउजेंड में से फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा थर्टी फर्स्ट थ्री फोटीन को बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशन या आ गया रुपीज़ फोटी थाउजेंड और बुक वैल्यू उसका टेन थाउजेंड बचा था उसे टू थाउजेंड रुपीज़ में बेच दिया गया सो थर्टी फर्स्ट थ्री फोर्टीन को ही बाय बैंक टू थाउजेंड रुपीज़ में बेच दिया गया तो थर्टी फर्स्ट थ्री फोर्टीन को ही लॉस हो गया बाय प्रॉफ़िट एंड लॉस एट थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को लॉस हो गया अब पहले हम मशीन अकाउंट को क्लोज़ कर लेते हैं ये हो गया रुपीज़ ट्वेंटी लाख फ़िफ्टी थाउजेंड क्रेडिट साइड इधर भी आना चाहिए रुपीज़ ट्वेंटी लाख फिफ्टी थाउजेंड तो हमें यहाँ एक एडजस्टमेंट अमाउंट लिखना पड़ेगा रुपीज़ थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड का और ये परचेज़ ऑफ मशीन है उसी तरीके से एक्यूमलेटेड डेप्रीशिएशन को हम क्लोज़ करेंगे तो ये वन लाख एटी थाउजेंड डेबिट में और इधर भी आना चाहिए वन लाख एटी थाउजेंड सो नाइन्टी थाउजेंड का एडजस्टमेंट अमाउंट लिखना पड़ेगा और ये डेपरीशियेशन फ़ॉर द ईयर है डप्रीसीशन फ़ॉर द ईयर अब यहाँ से हमें कौन से इन्फॉर्मेशन मिले हैं ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये प्लस हो जाएगा यहाँ जो मशीनरी बैंक मतलब सोल्ड मशीनरी सोल्ड का जो अमाउंट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो है और उसी तरीके से डप्रीशन जो है डेपरीशियशन फ़ॉर द ईयर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में ऐड हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन के लिए ही हमें मशीनरी अकाउंट और एक्यूमलेटेड डिप्रीशन अकाउंट बनाना पड़ा अब हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स उसमें पहले लिखेंगे सरप्लस सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस दैट इज रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस रुपीज वन लाख टेन थाउजेंड विल गिव अस रुपीज वन लाख फोर्टी थाउजेंड इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन मेड फॉर टैक्स जो हमने प्रोविजन बनाया है रुपीज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डनरी आइटम्स आ गया रुपीज वन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड और इसी अमाउंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर आकाश लिमिटेड सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉडनरी आइटम्स जो हमने कैलकुलेट किया है वो लिखेंगे रुपीज वन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें आएगा डेप्रिशिएशन डेप्रीशिएशन रुपीज नाइन्टी थाउजेंड और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन रुपीज एट थाउजेंड इसे हम ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा रुपीज टू लैख सिक्सटी वन थाउजेंड और यह कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ को एड करना है और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करेंट लाइबलिटीज़ को लेस करना है तो हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स हैं और ये डिक्रीज हो रहा है रुपीज़ ट्वेंटी टू थाउजेंड से और ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं रुपीज़ सिक्सटी एट थाउजेंड से क्योंकि ये करंट लाइबिलिटीज़ है इसलिए लेस हो रहा है लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं ये करेंट एसेट है रुपीज़ थ्री थाउजेंड से अब जो अमाउंट आएगा वो है रुपीज़ टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड और ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या फ्रॉम ऑपरेशन अब हम इसमें टैक्स पेड लेस करेंगे लेस टैक्स पेड रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड नाउ द अमाउंट इज वन लैक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड और यही अमाउंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसमें है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड दिस इज़ अ कैश आउटफ्लो क्योंकि परचेज हो रही है मशीनरी उसी तरीके से हमने और भी परचेज किया है वो है पेटेंट्स परचेज ऑफ पेटेंट्स चेज ऑफ पेटेंट्स है रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड का दिस इज ऑल्सो कैश आउटफ्लो ट्वेंटी थाउजेंड सेल ऑफ सेल ऑफ मशीनरी प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी दिस इज कैश इनफ्लो और यह टू थाउजेंड है सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट हो गया माइनस थ्री लैख सिक्सटी एट थाउजेंड दिस इज कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है रुपीज वन लाख से सो दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हमारे पास इंक्रीज़ हो गए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है हमारे इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया हुआ है सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रुपी सेवेंटी फ़ाइव थाउजेंड इंक्रीज़ हो गया है फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्रीज हो रहा है रुपीज़ टू थाउजेंड से नाउ इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रुपीज़ वन लैक सेवेंटी सेवन थाउजेंड यह आ गया अमाउंट रुपीज़ फाइव थाउजेंड और यह है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग एड करेंगे ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है रुपीज फाइव थाउजेंड का और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड का सेवेंटीन थाउजेंड हम एड करेंगे फाइव थाउजेंड और सेवेंटीन थाउजेंड को ऐड करेंगे तो आएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड दिस इज टोटल ऑफ क्लोजिंग करेंट इन्वेस्टमेंट्स रूपीज एट थाउजेंड एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रूपीज फोर्टीन थाउजेंड सो दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एस आर एस लिमिटेड

इनफ्लो है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है सो दैट इज़ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमको सरप्लस फॉर द ईयर पता चलेगा इंक्रीज हो रहा है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा एंड सेकेंड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स दिया हुआ है वर्किंग नोट्स टू अकाउंट में ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं अमाउंट इसका इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो के रूप में आएगा लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है ये जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट को दो जगह यूज़ करना पड़ेगा हमें एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो लेस होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है हमेशा हमको ओपनिंग बैलेंस पर ही देना होता है देन थर्ड है करेंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवर है बैंक ओवर है इसलिए यह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा नोट थ्री में यह लिखा हुआ है और इंक्रीज हो रहा है इसलिए यह कैश इनफ्लो है फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में टैक्स है प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें यह ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है सो क्लोजिंग बैलेंस को हम ऐड करेंगे और ओपनिंग बैलेंस को हम लेस करेंगे और ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा देन अब एसेट्स को देख लेते हैं एसेट्स में है फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल इसमें भी नोट दिया हुआ है और फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा देन इंटेंजिबल एसेट्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड का था अभी फिफ्टी थाउजेंड का हो गया है और नोट सिक्स में ये गुडविल है गुडविल है तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हो गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में देन बी है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो इसे भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे क्योंकि ये कैश परचेज हो रहा है इसलिए ये इसको हम लेस करेंगे ये कैश आउटफ्लो है देन करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों को ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माना गया है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के आखिरी में इनका ट्रीटमेंट होगा इन्वेंट्रीज़ जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे और थर्टी सिक्स थाउजेंड से इंक्रीज़ होकर के सिक्सटी वन थाउजेंड हो गया मतलब इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये आउटफ्लो ऑफ कैश है और वहाँ वो वर्किंग कैपिटल में माइनस में शो हो गए नाउ नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसमें है सरप्लस दिया हुआ है नाउ दर इज़ इंक्रीज़ इन प्रॉफिट फॉर द करेंट ई ईयर तो ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ होगा इंक्रीज़ ना हो लॉन्ग टर्म बोरस में ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स हैं ये इनक्रीज़ हो रहे हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे और क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए यह कैश इन्फ्लो है लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में भी ये बात लिखी हुई है कि रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो रुपीज़ वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो कि ओपनिंग बैलेंस है उसमें करना है देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवर ड्राफ्ट है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और ये इनक्रीज हो रहा है इसलिए ये इनफ्लो ऑफ कैश है दैन प्रोविज़न फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग ओपनिंग वाले को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे और क्लोजिंग वाले को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे देन टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी दी हुई है और एक्यूमलेटेड डप्रिशिएशन दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेकेंड में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज फोर्टी थाउजेंड कॉस्ट है फोर्टी थाउजेंड का ऑन विच एक्यूमलेटेड डप्रीशिएशन वाज ट्वेंटी थाउजेंड मतलब फोर्टी थाउजेंड की मशीन पे अब तक फो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ का डप्रीशिएशन लगाया जा चुका है सो बुक वैल्यू कितना हो गया बुक वैल्यू हो गया फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड तो बुक वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड ही रहा व सोल्ड एट अ लॉस ऑफ फाइव थाउजेंड सो फाइव थाउजेंड रुपीज़ के लॉस में हमने इसे बेच दिया मतलब कितने में बेचा होगा फिफ्टीन थाउज़ेंड रुपीज़ में बेचा होगा तो इसका जो असर है ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाएगा और फ़िफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ जो बेचे हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेकिन हमें मशीनरी अकाउंट में भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि एक्यूमलेटेड डेप्रीशिएशन सेपरेटली दिया हुआ है इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस को देखते हैं तो फाइव लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और उसमें से एक मशीन रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड की हमने बेच दी है सो फाइव लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से 40,000 थाउजेंड की मशीन अगर हमने बेच दी तो कितना बच जाएगा बचना चाहिए था फोर लैख एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेकिन बच रहा है एट लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एट थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से जो कि ज़्यादा है तो आप देखेंगे सेवन माइनस टू फाइव थर्टीन माइनस एट हो गया अगेन फाइव दैन सेवन माइनस फोर हो गया थ्री लैख फिफ़्टी फाइव थाउजेंड का परचेज़ ऑफ मशीन है सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश दिस इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश एंड दिस रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड इज़ इन फ्लो ऑफ कैश और ये दोनों ही कहाँ आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस होगा और इन फ्लो ऑफ कैश जो है वो प्लस होगा नाव अब डिप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे सेवेंटी थाउजेंड से इनक्रीज होकर के वन लैख फाइव थाउजेंड हो गया मतलब कितना इंक्रीज हो गया थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ इनक्रीज़ हो गया थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ इनक्रीज़ हो गया लेकिन जो मशीन बेची गई है उस पर एक्यूमोलेटेड डेपरीशियशन ट्वेंटी थाउजेंड का था तो हमें ट्वेंटी थाउजेंड और ऐड कर देना चाहिए सो डप्रीशन फ़ॉर द ईयर हो गया रुपीज़ फिफ्टी फाइव थाउजेंड और यह कहाँ जाएगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन कैश आइटम्स में के हेड में ये ऐड हो जाएगा और इस डेप्रीशन का यूज़ परचेस ऑफ मशीनरी में भी किया गया है तो अब डप्रीशन जो है वो दो जगह यूज़ हो गया अब गुडविल में आ जाइए गुडविल सेवेंटी फाइव थाउजेंड से रिड्यूस होकर के फ़िफ्टी थाउजेंड हो गया सो so, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा दिस इज़ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल देन इन्वेंट्रीज़ भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश आउटफ्लो out, माना गया है नाउ लेटेस्ट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट नाउ सोल्यूशन फिफ्टी फाइव पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे मशीनरी अकाउंट मशीन एक एसेट है इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट के साइड आएगा वन फोर टू थाउजेंड फिफ्टीन को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है रुपीज फाइव लैक ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन रुपीज़ एट लाख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेफ्रीशन ऑन मशीनरी भी हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है रुपीज़ सेवेंटी थाउजेंड और क्लोजिंग बैलेंस दिया है थर्टी फर्स्ट थ्री सिक्सटीन को टू बैलेंस क्लोज डाउन रुपीज़ वन फाइव थाउजेंड अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड ऑन विच एक्ूमुलेटेड डप्रीशन वाज ट्वेंटी थाउजेंड वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ फाइव थाउजेंड मीन्स इस सेवेंटी थाउजेंड में उस बेचे जाने वाली मशीन का एक्यूमुलेटेड डप्रीशिएशन है ट्वेंटी थाउजेंड सो उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि वो मशीन बिक जा रही है टू मशीनरी अकाउंट ट्वेंटी थाउज़ेंड हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे थर्टी फर्स्ट थ्री सिक्सटीन को बाय एक्यूमलेटेड डप्रीशन एक्यूमलेटेड डेपरीशन आ गया रुपीज़ ट्वेंटी थाउज़ेंड का और थर्टी फर्स्ट थ्री सिक्सटीन को हमने लॉस में बेच दिया है सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस फाइव थाउज़ेंड का फ़ाइव थाउजेंड रुपीज़ लॉस है तो थर्टी फर्स्ट थ्री सिक्सटीन को ही बाय बैंक कितना आएगा बैंक आएगा फ़िफ्टीन थाउजेंड क्योंकि ये सब को मिला करके कॉस्ट ऑफ मशीन दिखाई देनी चाहिए जो कि फोर्टी थाउजेंड है अब हम इसे ग्रैंड टोटल करेंगे ग्रैंड टोटल है रुपीज़ एट लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इधर भी आना चाहिए एट लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बैलेंसिंग अमाउंट हम बैंक में लिखेंगे थर्टी फर्स्ट थ्री सिक्सटीन को बैलेंसिंग अमाउंट आ गया रुपीज़ थ्री लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड जो कि परचेज ऑफ मशीनरी है अब हम डेपरीशियशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे थर्टी फर्स्ट थ्री सिक्सटीन को बाय डेपरीशन डिप्रिशिएशन इधर का ग्रैंड टोटल है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेस सेवेंटी थाउजेंड इट मीनस डेपरीशियशन फॉर द ईयर इज़ रुपीज़ फिफ्टी फाइव थाउजेंड अब इन इन्फॉर्मेशन को हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ करना है सो so, ये जो डेप्रीशन हमने कैलकुलेट किया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में और अब इधर आ जाइए मशीनरी में दिस इज़ बैंक लिखा है मतलब cash, ये आउटफ्लो ऑफ कैश ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो ऑफ कैश के रूप में आएगा और ये वाला बैंक जो है जो सेल ऑफ मशीनरी का है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा लेकिन ये इनफ्लो ऑफ कैश है प्लस मीनस इनफ्लो ऑफ कैश देन प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा ओके okay. अब हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस सरप्लस है रुपीज वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड या आ जाएगा रुपीज़ सेवेंटी फाइव थाउजेंड एड प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स मेड जो कि क्लोजिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग दो बैलेंसेस दिए हैं और हमें इसमें क्लोजिंग बैलेंस को लिखना है तो वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड है नेट प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉडनरी आइटम्स और इसी अमाउंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एस आर एस लिमिटेड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉडनरी आइटम्स है रुपीज़ वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला है डेपरीशन डिप्रीशिएशन रुपीज फिफ्टी फाइव थाउजेंड फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये हमने वर्किंग नोट में प्रिपेयर किया था फाइव थाउजेंड रुपीज़ फिर है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन 12 परसेंटेज डिबेंचर्स हम हमको ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है जो कि वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड है उसका ट्वेल्व परसेंटेज आएगा रुपीज़ ट्वेंटी वन थाउजेंड फिर एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है रुपीज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बस इतना ही इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा रुपीज़ टू लैक एटी वन थाउजेंड और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब हम इसमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को एडजस्ट करेंगे सो so, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज जो कि है ही नहीं कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो ऐड हो सके और लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से अब अमाउंट आ जाएगा रुपीज टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड यह है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें हम लेस करेंगे टैक्स पेड टैक्स पेड जो कि ओपनिंग है ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड कहते हैं और इसे हम लेस करेंगे रुपीज़ सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब जो अमाउंट आ गया हमारा वन लैक नाइन्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये अमाउंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में है पहले परचेज ऑफ मशीनरी सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन हमने वर्किंग नोट में इसे बनाया है रुपीज थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड का परचेज ऑफ मशीनरी है देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड फिर परचेज ऑफ पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ रुपीज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये भी कैश आउटफ्लो है क्योंकि सारे परचेज कैश आउटफ्लो होते हैं अब जो अमाउंट आ गया वो है कैश आउटफ्लो ऑफ रुपीज़ थ्री लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड और यह है कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू ऑफ शेयर्स देर इज एन इंक्रीज इन शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स इश्यू हुए हैं एंड दिस इज कैश इनफ्लो दैन ईशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज़ ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स दैट इज अगेन कैश इनफ्लो रुपीज फिफ्टी थाउजेंड का दैन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंगस ये है ट्वेंटी वन थाउजेंड जो कि कैश आउटफ्लो है देन हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट हालांकि शो होता है करेंट लाइबिलिटीज़ में लेकिन उसका ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होता है और ये इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स कैश इनफ्लो है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा रुपीज़ वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब हमारे पास तीनों एक्टिविटीज़ आ गए हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अब हम इन तीनों का ग्रैंड टोटल करेंगे ये अमाउंट आ जाएगा माइनस फाइव थाउजेंड यह है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग करेंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स है रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड का और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विलेंट रुपीज़ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऐड करेंगे तो आएगा रुपीज़ सिक्सटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब जो अमाउंट आएगा वो है रुपीज़ फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विलेंट है क्लोजिंग करेंट इन्वेस्टमेंट रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वी वैलेंट रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो दिस इज अवर सोल्यूशन I believe that you have understood the concept of the topic very well. And if you are still having any problem in any of the details of cash flow statement, please write it in the comment section. Please like, subscribe, and share the channel. Thank you so much for watching.